दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप के बारे में। आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप ये दोनों ही जगह पे काम करता है, चाहे आपको कान में कोई दिक्कत हो चाहे आपके आंख में कोई दिक्कत हो। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे इस आई ड्रॉप के बारे में, सिप्लॉक्स डी के बारे में। देखिए सिप्लॉक्स और डी ये दोनों अलग अलग एक अर्थ होता है। सिप्लॉक्स से आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन समझ सकते हैं, डी से आप डेक्सामेथासोन समझ सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड होता है। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे काम करता है, इसका डोज क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको लेना चाहिए और ये कितने रुपए का मार्केट में मिलता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के आप लास्ट तक देखिए, इसमें आपका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं ये दवा क्या काम करती है, तो ये दवा मुख्यतः आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया की वजह से आँख में संक्रमण हुआ है या फिर उसको कान में संक्रमण हुआ है तो उसको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, कम करता है। ये काम क्या करता है, ये आपका जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है जिस वजह से आपके आँख में इन्फेक्शन हुआ होता है उस वजह को ये बिल्कुल कम कर देता है, बंद कर देता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आता है जब वो आपकी आँख पे अटैक करता है तो उसको ही ये मार देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये काम करता है। देखिए इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई आँख में कीड़ा चला गया है उसकी वजह से उसको लालीपन हो गया है या फिर दर्द हो रहा है, आँख में चुभन टाइप का दर्द हो रहा है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। या फिर कोई कंजक्टिवाइटिस वायरस हो गया है, आई फ्लू आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है तो अगर वो भी हो जाता है तो इसका उपयोग बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। इसके अगर उपयोग की बात करें कान में, तो कान में कोई भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कान किसी का बहने लगता है, कान में दर्द हो जाता है, कोई अंदरूनी उसको चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसको संक्रमण फैलने लगते हैं, तो उस जगह पे बहुत ही अच्छा काम करता है। ज़्यादा रुपये का नहीं मिलता है, अगर आप इसको मेडिकल स्टोर पर लेते हैं तो वही 24 से 30 रुपये का आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाता है। सिप्लॉक्स डी नाम से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये इस नाम से हमेशा आपको मेडिकल स्टोर पे मिलता है। अगर इसके डोज की बात करें कि डॉक्टर इसको किस तरीके से उपयोग कराते हैं, तो इसके कई तरीके से डोज लिए जा सकते हैं। जैसे किसी को ज़्यादा दिक्कत होता है तो किसी को कम दिक्कत होता है, तो उसके हिसाब से एक दिन में 2 से 3 बार डालने की सलाह देते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो 4-5 बार भी इसको डॉक्टर यूज़ कराने के लिए बोल सकते हैं। अगर इसका हमेशा 1 या 2 ड्राप आँख में डाला जाता है, थोड़ा दूरी से, आँख में बिल्कुल सटा के नहीं, ऐसा नहीं कि ड्रॉप ही आँख में लग जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको 1 से 2 बार, 2 से 3 या 3 से 4 बार इसको डॉक्टर अपने हिसाब से कंडीशन को देख के इसका उपयोग करवाते हैं। कान में अगर बात करें तो कान में वही इसका 3 से 4 बूंद 1 बार में दिन में 2-3 बार डलवाया जाता है। आँख में इसको कम से कम 2 से 3 बार या 3 से 4 बार दिन में डलवाया जाता है। इस तरीके से इसका डोज होता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे किसी किसी व्यक्ति में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। जैसे किसी को लालीपन हो जाना, जैसे अगर आप हद से ज़्यादा इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपकी लालीपन आँख में आ सकता है, या फिर सूजन कम ना होने की वजह से थोड़ा और बढ़ सकता है, ठीक है। आपको अनिद्रा, आँखों के सामने अंधेरा जैसा छा सकता है, लिक्विड टाइप का जो आपका कीचड़ नहीं होता वो आपको बनने लग जा सकता है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कान में सुनाई कम दे सकता है, ये इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, दवा के साथ साथ चलते हैं फिर ये आराम से ख़त्म हो जाते हैं। आई होप छोटे से वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिल पाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।